दोस्तों 6 जनवरी 1904 को नागपुर के पास जन्म लेने वाले बाबू हरदास जी ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। लेकिन उनके दिमाग में यह नारा कहां से आया और उन्होंने सिर्फ जय भीम को ही क्यों चुना, और क्या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी जय भीम बोलते थे? आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी दिलचस्प कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार जय भीम का नारा कहाँ से आया। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भीम आज बहुजन अस्मिता और एकता का प्रतीक बन चुका है। हर बहुजन युवा उत्साह से जय भीम के साथ एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। इस जय भीम शब्द के जनक कहे जाने वाले बाबू हरदास एलएन थे, जो 1921 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ सामाजिक आंदोलन में उतरे। सन 1922 में महाराष्ट्र के अछूत संत चोखा मेला के नाम पर उन्होंने एक छात्रावास शुरू किया। 1924 में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खरीदी और सामाजिक जागृति के लिए मंडई महात्य नाम की किताब समाज में प्रकाशित की। साथ ही चोखा मेला विशेषांक भी निकाला। बाबा साहेब के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। 1930 के नासिक काला मंदिर सत्याग्रह तथा 1932 में पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गूगल पर जब आप जय भीम लिखते हैं तो उसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे लेख आपके सामने आते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन हमने इसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए। इसके बारे में हमें जो जानकारी असल में सामने मिली है कि जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले थे, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर में जन्म लिए थे। बाबू हरदास वो शख्स थे जो बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ रहते थे। वो 1921 में सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहेब के साथ थे। बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले बाबा साहेब के साथ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। ऐसा नहीं था कि बाबू हरदास किसी किसी आंदोलन में ही बाबा का साथ देते थे, बल्कि वो लगभग सभी आंदोलन में बाबा के साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जय भीम शब्द का संबोधन पहली बार उनके मन में मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया, जब एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने दूसरे मुस्लिम कार्यकर्ता उसे अस्सलाम वालेकुम कहा और दूसरे व्यक्ति ने भी अलेकुम सलाम कहा। तब बाबू हरदास ने सोचा कि हमें भी एक दूसरे को ऐसा कहना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं जय भीम कहूंगा और आप बल भीम कहिए। उस समय यह अभिवादन शुरू हो गया, पर बाद में बल भीम प्रचलन से गायब हो गया और केवल जय भीम ही प्रचलन में रहा। 1933 और 1934 में बाबू हरदास ने समता सैनिक दल को जय भीम का नारा नागपुर में दिया। इस तरह जय भीम का नारा हर जगह छा गया। बाद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी 1949 में अपने में जय भीम लिखना और कहना शुरू कर दिया। 12 जनवरी 1939 को बाबू हरदास जी का निधन हो गया। उस दिन उनको श्रद्धांजलि देते हुए बाबा साहेब ने कहा, बाबू हरदास के रूप में मेरा दाहिना हाथ चला गया। जय भीम का नारा आम्बेडकर वादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन नारा है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहेब आम्बेडकर से प्रेरणा लेते हुए अपने धर्म को बौद्ध धर्म में अपनाया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी हिंदू है जो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जय भीम के नारे को संबोधन करते हैं। जय भीम की कहानी यही खत्म नहीं होती। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक कवि बिहारी लाल ने अपने कविता में भी किया था और उन्होंने अपने कविता में लिखा था, नव युवक कौम के जुटे जावे सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में। प्रोफेसर विवेक कहते हैं कि 1956 में आम्बेडकर जी के निधन के बाद एक आंदोलन के रूप में जय भीम की लोकप्रियता बढ़ गई। उनके मुताबिक जय भीम का नारा लोकप्रिय शब्द जय हिंद से पुराना है। हरदास जी ने फैसला लिया था कि जय भीम का जवाब बल भीम होगा। इसके बाद यह नारा भीम विजय संघ कार्यकर्ताओं के बीच अभिवादन के रूप में चलन में आया, लेकिन बाद में इसमें से बल भीम हट गया। हरदास जी की केवल 35 साल की उम्र में 1939 में मौत हो गई और इसी तरह हरदास जी ने अपने निधन से पहले इस नारे को दे दिया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि जय हिंद से पहले जय भीम का नारा ईजाद हुआ। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जय भीम का नारा कहां से आया। इसी के साथ आज के एपिसोड की समाप्ति करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।